नमस्कार, मैं हूं अनिल थत्ते। आज मेरे सहयोगी श्याम गिरी साहब किधर गए हुए हैं बाहर, तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी आज मैं संभाल रहा हूं। आज का हमारा विषय है मीरा भाईंदर में आदित्यनाथ का अवतार। यस, बहुत जरूरत थी। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि यहाँ के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला और कान के नीचे आवाज जो प्रतिद्वंदी है उनके निकालने वाला कोई है कि नहीं, ऐसा सवाल लोग पूछने लगे थे। क्या हिंदू मारे खाते रहेंगे? क्या हिंदुओं का कोई कैवारी नहीं है? क्या ये सरकार हिंदुत्ववादी होते हुए भी हिंदुओं को जगह जगह पे मार खाना पड़ेगा? अपने हक के लिए भी उनको प्राण की बाजी लगा कर लड़ना पड़ेगा? भाई, एक जुलूस यहां से वहां जाने के लिए अगर मुस्लिम बस्ती से गुजरता है तो उनके ऊपर हमले होंगे और पुलिस कहीं भी नहीं दिखाई देगी, मार खाएंगे, जख्मी होंगे, गाड़ियां टूटेंगी फूटेगी और कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कई जगह जो राम भक्त थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे। अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, मुझे महाराष्ट्र सरकार का मालूम है, पुलिस ने एक पाबंदी ऐसी लगा दी कि भाई ये मामला नहीं बढ़े करके आपको इसको धार्मिक दंगल बोलना नहीं है, आपको इसको दो गुटों के बीच का राड़ा। अभी लोग समझ गए कि राड़ा मतलब दंगली होती है, ये राड़ा बोलने को मजबूर करते हैं मीडिया को और मीडिया के ऊपर कल से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने नहीं वो वीडियो दिखाए थे जबकि हमारे पास भी आए थे। हमने पुलिस का मान रखा इसलिए कि भाई हम नहीं चाहते थे कि भाई ये आग और भड़के और इसके हिंदू और मार खाए, क्योंकि हिंदू ही मार खा रहे थे, तो हम चाहते थे कि ये आग नहीं भड़के करके हमने कोई वो जो मुस्लिम युवा जो भी कर रहे थे वहाँ पे मीरा भाईंदर में, उसके जो इतने वीडियो हमारे पास आए हमने साइड में रख दिए और पुलिस का सम्मान रखा कि भाई ठीक है, आपने बोला है ना कि राड़ा बोलो, राड़ा बोलते हैं, चलो आप मत दिखाओ, बोलते हैं नहीं दिखाते। कुछ लोगों ने दिखाए और सोशल मीडिया पर तो मेरे ख्याल से कुछ करोड़ गए होंगे वो, मतलब पुलिस का ऐसा जो आदेश है उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। हमारे जैसे जो यूट्यूबर है उनके ऊपर ही बहुत बंधन होता है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, मगर जो इनको मानना नहीं उन्होंने नहीं माना। मेरे ही मित्र प्रभाकर सूर्यवंशी जो हिंदुत्व के कट्टर योद्धा बन के अभी उभर के आ रहे हैं, उन्होंने तो सब वीडियो मीरा भाईंदर के दिखा दिए, सब दिखा दिए ना, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सदैव से अभी तक। मालूम नहीं कल होगी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू की साइड लेके बोलना भी शायद गुनाह हो सकता है पुलिस की नजर में, मालूम नहीं। मगर इस पार्श्वभूमि पर नीतीश राणे का वहां जाना एक थोड़ा सा लोगों को मॉरल बूस्टर रहा, क्योंकि नीतीश राणे जो है वो अभी एक हिंदुत्व का युवा चेहरा करके सामने आ रहा है और वो फाइटर स्पिरिट का है। धर्मयोद्धा पदवी उसको मैंने धर्मवीर दी थी, आनंद दिघे साहब को, और वो उनके साथ जन्म भर उनके रही, अभी भी धर्मवीर रही है। धर्मवीर पिक्चर बन रहा है, भले उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मेरे कंसल्ट नहीं किया, मगर धर्मवीर नाम मैंने जो दिया है वही यूज कर रहे, धर्मवीर एक, धर्मवीर दो। तो नीतीश का भी एक धर्मयोद्धा का रूप अभी लोगों के सामने आ रहा, मगर उससे नहीं होता है, वो किधर भाषण करके जाएगा। एक आदित्यनाथ जरूरी था जो पुलिस फोर्स का उपयोग करेगा और बुलडोजर चलाएगा, वो मिल गए। वो निकले हमारे महाराष्ट्र के आदित्यनाथ देवेंद्र फडणवीस। कल उन्होंने करीबन 10,000 पुलिस उधर भेज दी, उनका फ्लैग मार्च किया जिस नया नगर एरिया में ये हुआ वहां पे, और बुलडोजर से जितने अनधिकृत बांधकाम थे वो तोड़ दिए। फडणवीस साहब, आपका अभिनंदन, आप अभी यही करते रहो। जगह जगह पे हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको एक आप
आश्वासन दो कि आपके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे और आपके ऊपर जो भी अत्याचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आप ही कर सकते हैं, एक तो आप गृहमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और ये जो मुहिम है सब वो बीजेपी की ही मुहिम है और आपके ही मोदी साहब ने प्राण प्रतिष्ठा की है, जय श्री राम का नारा दिया है। तो जय श्री राम का नारा देना, जिनको अपराध लगता है, गुनाह लगता है और उनके ऊपर टूट पड़ते हैं लाठी काठी तलवार लेके, उनका पारिपत्य कौन करेगा? ये जो राक्षस राम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको सिर्फ आप ही सजा दिलवा सकते हैं और देना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी दबाई गई है न्यूज़, मगर सोशल मीडिया पे वो वायरल है, कितनी जगह पे कल श्री राम भक्तों के ऊपर हमले हुए, हर एक जगह का आ रहा है, वो सब जगह बुलडोजर चलाओ, जहां पे भी दंगा होगा बुलडोजर चलाओ और जरूरत पड़े तो गोलीबारी के लिए भी आगे पीछे मत बस। अभी महाराष्ट्र में एनकाउंटर शुरू करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है, और वो आप ही कर सकते हैं। आपका मनपूर्वक शुक्रिया। अभी हम एक गीता जैन वहाँ की जो MLA है उनका वीडियो आपके सामने पेश करते हैं, तो आपको इस जो घटना है उसकी गहराई जो है वो मालूम पड़ेगी। देखिए गीता जैन आमदार बीजेपी की, उनका ये वीडियो। मैम अभी आप कमिश्नर साहब से मिलने आई थी, क्या बात हुई? देखिए कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे, ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है, ये कौन सी लोकशाही है? ऐसा कौन सा, ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है, और नितेश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। मैडम जितने लोग आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोग गिरफ्तार किया गया, आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इल्लीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांतिनगर का आप एग्जांपल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के अधिकारियों को मारना, कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा। लोकशाही है, हम सहिष्णु है, कायर नहीं है। मैम कुछ मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि 10 मिनट के लिए समय दे दो, 15 मिनट के लिए समय दे दो, इस तरह के मैसेज? जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो।